अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा केराटिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है। अच्छा, केराटिन करवाने का बहुत शौक होता है लेकिन केराटिन के बाद हमें एक स्पेशल केयर की ज़रूरत भी होती है। बेसिकली केराटिन का मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, केराटिन कभी भी आपके बाल डेड स्ट्रेट नहीं करता, ठीक है। केराटिन के बाद वेव आना इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, वेव आता ही आता है। केराटिन से ये होता है कि आपके बाल जो है वो 70% स्ट्रेट हो जाते हैं। जो आपके बालों में फ्रिजीनेस होती है, जो आपके बाल रफ एंड टफ लग रहे होते हैं, वो दिखना बंद हो जाते हैं। ये आप अभी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां करती हैं इस वेव को ख़त्म करने के लिए जो है ना वो स्ट्रेटनर कर लेती हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलूँगी, देखें जब भी हम कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ऑलरेडी हमारे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा आयरन हो रहे होते हैं। केराटिन के बाद आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जो है वो बालों को आयरन वगैरह जो है वो ना करें, क्योंकि हमारे बाल जो है वो कमज़ोर होते ही होते हैं केराटिन से, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। केराटिन के बाद क्या केयर होती है मैं सारा आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। केराटिन के बाद पहली चीज़ तो ये कि आपने 15 दिन तक आपने ऑयलिंग नहीं करनी है, सख्ती से मना होती है, ठीक है। बालों को आप लोग पिन वगैरह ना लगाएं, थोड़े से खुले छोड़ें, ठीक है। उससे ये होता है कि जल्दी जो है वो वेव नहीं आता है, क्योंकि कोई ना कोई केमिकल लगा होता है, प्रोडक्ट लगी होती है, हम जब उसको कवर अप कर लेते हैं ना तो वो वेव उधर ही छोड़ते हैं। 15 दिन के बाद आप लोग जो है वो भले ऑयलिंग वगैरह करें लेकिन 15 दिन तक ना करें। उसके अलावा मैंने जो शैम्पू यूज़ किया है केराटिन के बाद वो है ये वाला, ठीक है। हमारे मार्केट में जो केराटिन की प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आती हैं। लाइक लॉरियल है वो आती है कोई 12,000 की, उसकी पूरी किट पड़ती है। और एक और ब्रांड बताया था वो भी मैंने सर्च किया तो वो 11,000 की थी। फिर मैंने क्या किया कि मून टच की ये तीनों प्रोडक्ट्स मंगवा ली, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को एक बेनिफिट ये बता देती हूँ, अगर आपके बालों में जो है वो रफनेस है, आपके बाल फ्रीजी हैं, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, वन टाइम में ही इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल ये शैम्पू यूज़ करना है, ठीक है। ये आप लोग शैम्पू देख सकते हैं, ये है इनका आर्गन शैम्पू। ये जो है वो आपके बालों को जो है वो स्मूथ बनाता है, आपके हेयर्स को शाइनी बनाता है, नो डाउट ये बहुत अच्छा है। और ये कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है और पाकिस्तानी ब्रांड्स की बहुत कम चीज़ें होती हैं, बहुत कम प्रोडक्ट होती हैं जो हाईली जो है वो रिकमेंडेड होती हैं या वर्थ इट होती हैं, ठीक है। ये मेरे पास शैम्पू आया था मेरे केराटिन से भी पहले, मुझे इससे ये आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, डेढ़ मंथ पहले मुझे ये प्रोडक्ट्स मिली थी और मैं आज इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए कि जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं जिनके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ हो गए हैं, फ्रीजीनेस भी बहुत है, शाइनी बिल्कुल नहीं रहे, आपने ये शैम्पू करना है, ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन। और फिर ये जो मास्क है ना यार, ये मतलब ये बेस्ट मास्क है। आपके बालों में इंस्टेंट शाइन भी आएगी, स्मूथ भी आएगा आपके बालों में, आपके बालों की जो फ्रिजीनेस होगी उसको भी खत्म करेगा। ये आप मास्क चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये केराटिन मास्क है और ये बहुत अच्छा मास्क है, इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है, ठीक है। और आपने क्या करना है, इसको लेके अच्छे से शैम्पू करने के बाद 20 मिनट तक आपने ये मास्क लगा रहने देना है, ठीक है। इस मास्क को लगाने के बाद जो है ना वो फिर जो आपके बालों में शाइन आएगी और जो आपके आप इस तरह अपनी जुल्फे लहराएंगी गाइस, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, ठीक है। और इसमें इंग्रेडिएंट्स जरा मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, इसमें आलमंड ऑयल भी है, ठीक है, इसमें जो है वो ग्लिसरीन भी है, इसमें मतलब जो जो एक अच्छे केराटिन मास्क में इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इस सारे में वही है। 20 मिनट तक आपने ये लगाना है, उसके बाद आपने अपने बाल वॉश कर लेने एंड जो रिजल्ट आएंगे यू गाइस विल डेफिनेटली लव इट, ठीक है। शैम्पू करें उसके बाद आप केराटिन मास्क अप्लाई करें, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ, इनकेस आप शैम्पू नहीं भी परचेज करते, आप खाली मास्क लेते हो ना, आप डेफिनेटली शैम्पू भी जाके परचेज कर लोगे, क्योंकि इस शैम्पू के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और इस केराटिन मास्क के तो मैं जितने फ़ायदे बोलूँ उतने कम है, वो कहते हैं ना अपने मुँह मियाँ मिठू, लेकिन ये मास्क देख लें, ये लगाएं, उसके बाद अपने बाल वॉश करें एंड जो रिजल्ट आएंगे आप लोग मुझे खुद आके दुआएं देंगे, ठीक है। उसके बाद है हेयर सीरम। अच्छा, गर्मियों में बहुत कम हेयर सीरम है जो काम करते हैं, ठीक है। ये हेयर सीरम बहुत अच्छा है, जब भी आपने अपने बालों को जो है ना वो वेट बालों पे यूज़ करना, हमेशा सीरम कोशिश किया करें कि वेट बालों पे यूज़ करें। जब भी आपने आयरन करनी है इसके 2-3 ड्रॉप ले लेने, इसका मैं आपको लाइव रिजल्ट भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपने इस तरीके से ले लेना है, ठीक हो गया। और ज़रा अभी हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। सीरम कभी भी रूट्स में नहीं लगता, मास्क आपने अपने रूट्स में भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह से लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद आप इसके ऊपर आयरन वगैरह करें आपके बालों में, आपको इसके बाद जब आप अपने बाल आयरन वगैरह करेंगे ना यार, इतना कोई मजे का शाइन आएगा ना बालों पे, ये देखें, यहाँ से आपको
रफ एंड टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये साइड देखें सीरम लगाने के बाद, क्योंकि इस सीरम से एक तो आपके बालों पे इंस्टेंट शाइन भी आएगी, ठीक है, और आपके बाल जब आप आयरन करेंगे तो आपके, चेक करें लाइक इतनी प्यारी है, मुझे नहीं पता कैमरा ये पिक करा है नहीं, लेकिन मैं जब सामने मिरर में देख रही हूँ ना, तो वो जो शाइन है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो सीरम की बात कर लेते हैं। सीरम जो है वो आपने हेयर वॉश करने के बाद, मास्क वगैरह यूज़ करने के बाद वेट बालों में लगा लेना है, और कभी भी आपने जब भी अपने बाल स्ट्रेट आयरन वगैरह कुछ भी करने हैं तो उससे पहले भी आप करेंगे, हीट से प्रोटेक्ट भी करेगा और आपके बालों को एक क्लियर शाइन भी देगा। तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए मुझे 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने पहले मुझे ये तीनों चीज़ें आई थी, तीनों चीज़ों का मैंने रिव्यू दे दिया। आप लोग मेरे चैनल पर जाके देखिएगा कि मैं हेयर केयर सीरीज़ को बहुत कम प्रमोट करती हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वही करती हूँ। वीडियो सर्च करेंगे हार्डली कोई 2-3 वीडियोज़ मिलेंगी, लेकिन जो चीज़ मेरे बालों पर वाकई काम करती है, क्योंकि मैंने अपने बालों पर बहुत मेहनत की है यार, बहुत मेहनत की है, क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स मुझे पसंद आई। भले इन लोगों ने मुझे पे किया ना हो, मैं आपको अपनी तरफ से इनके जो है वो 10 out of 10 जो है वो मार्क्स देती हूँ, ठीक है। बेशक ये मेरे पास PR आई थी, लेकिन मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस ये बहुत अच्छी है, आप इनकी कोई एक प्रोडक्ट भी ट्राई करेंगे ना, आप तीनों ऑर्डर करेंगे, ठीक है। और मास्क आपने ऑर्डर कर लिया तो शैम्पू और ये मंगवाना तो आप लोग समझ लेंगे कि फर्ज है भाई, मंगवाना ही मंगवाना है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और शैम्पू करना है, उसके बाद मास्क जो है अपने रूट्स में अप्लाई करना है, 20 मिनट्स के लिए छोड़ दें, उसके बाद बाल वॉश कर लें, उसके बाद सीरम अप्लाई करें। तकरीबन आपने 15-20 दिन भी कंटिन्यूसली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बालों की फ्रिजीनेस खत्म, बालों की रफ एंड टफ जो बाल होते हैं वो भी खत्म, एंड जो रिजल्ट्स आएंगे यू गाइस विल लव इट। तो ये मून टच का है, आपने ऑर्डर कैसे करना है सारी डिटेल व्हाट्सएप की, इनके इंस्टाग्राम की सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, एज वेल एज आप लोगों के लिए मैं कमेंट सेक्शन में भी सारे लिंक्स वगैरह लगा दूंगी, आप लोग डायरेक्ट जाके जो है वो इनके पेज से ऑर्डर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।